कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको कंजुगेट निकालना है। तो इसमें हम सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे। दैट बराबर वन माइनस में कोस थीटा प्लस में टू आईटा साइन थीटा, इसको हमको निशान पलट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो वन माइनस में कोस थीटा माइनस टू आईटा साइन थीटा, और इसी से इसको डिवाइड कर देंगे। वन माइनस में कोस थीटा प्लस में माइनस में टू आईटा साइन थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जेड बराबर वन माइनस में कोस थीटा माइनस टू आईटा साइन थीटा, और अपॉन में इसके आ जाएगा वन माइनस में कोस थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस में फोर आईटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू रख देंगे, वन माइनस में कोस थीटा माइनस टू आईटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई हमारे पास वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस में दो कोस थीटा, और ये हमारे पास यहाँ जाएगा फोर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फोर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। फार्मूला बनाने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ से जो है एक साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ अगर लगाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा वन माइनस कोस थीटा माइनस में टू साइन थीटा, ये है वन, और एक साइन स्क्वायर थीटा इसका कोस स्क्वायर थीटा बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास वन बन जाए। माइनस में टू कोस थीटा है और प्लस में थ्री साइन स्क्वायर थीटा, तो इस तरह से ये जेड बराबर हमारे पास आ रहा है वन माइनस में कोस थीटा और माइनस में दो आईटा साइन थीटा, और नीचे आ गए हमारे पास ये टू है, टू कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस कोस थीटा प्लस में थ्री साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने सिंप्लीफाई किया है। अब इसका कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट निकालने के लिए जो आईटा का निशान है इसको हम पलट देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वन माइनस में कोस थीटा प्लस में टू आईटा साइन थीटा, और अब कौन में आ रहा है टू वन माइनस में कोस थीटा और प्लस में थ्री साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया है। अगले क्वेश्चन में हमको एक इक्वेशन दी हुई है और ये शो करना है कि जेड जो है वो इमेजिनरी एक्सिस की पढ़ाई करता है। सबसे पहले हम मानते हैं लेट जेड बराबर एक्स प्लस आईटा वाई, मान लिया है जेड का मॉडुलस लेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो जेड स्क्वायर मॉडुलस जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस वन का मॉडुलस और इज इक्वल टू जेड का मॉडुलस के स्क्वायर प्लस वन। जेड के स्थान पर जेड की वैल्यू रख देंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स प्लस में आईटा वाई इसका स्क्वायर और माइनस में एक, और इधर हमारे पास इसको मान आया था एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में एक है। इसको अगर हम सोल्व कर दें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में आईटा स्क्वायर वाई स्क्वायर जमा में दो आईटा एक्स वाई माइनस एक, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक के बराबर है। अब हम यहाँ पर माइनस एक रख दें तो एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर माइनस एक, ये तो रियल पार्ट हो गया, और प्लस में टू आईटा एक्स वाई इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन है। अब हम इसका मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक इसका स्क्वायर प्लस में इसका और आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट है और बराबर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक है। अब इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का अगर हम स्क्वायर कर लें और इसका स्क्वायर खोल दे दिया जाएगा एक्स की चार प्लस में वाई की चार प्लस में एक माइनस दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद में प्लस में दो वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस में दो एक्स स्क्वायर, और इधर की संख्या इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर खोल देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स की चार वाई की चार प्लस में एक प्लस में दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
प्लस में टू वाई स्क्वेयर और प्लस में टू एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास इसका स्क्वेयर आ गया है। अब हम इसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे। एक्स की पावर चार से एक्स की पावर चार कैंसिल हो रही है, वाई की पावर चार से वाई की पावर चार कैंसिल हो गई, उसके बाद एक से एक कैंसिल हो गया है। यहाँ पर हमारे पास जो है टू वाई स्क्वेयर से टू वाई स्क्वेयर कैंसिल हो गया है। आखिरी में हमारे पास जो बच रहा है वो है, इसमें यहाँ पर ये फोर एक्स स्क्वेयर और था प्लस में फोर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हो रहा है, तो ये प्लस टू एक्स स्क्वेयर, ये इसे कैंसिल हो जाएंगे सारे। तो आखिरी में हमारे पास बच रहा है टू एक्स स्क्वेयर बच रहा है इधर, और इधर टू एक्स स्क्वेयर और आ जाएगा, तो ये टू एक्स स्क्वेयर और आ गया है, इसे फोर एक्स स्क्वेयर आ गया है। इससे हमारे पास कंक्लूजन निकला कि एक्स का मान जीरो है। एक्स का मान जीरो होने का मतलब है कि ये वाई एक्सिस की पढ़ाई करता है, इसलिए जेड लाइज ऑन वाई एक्सिस। वाई जो एक्सिस होती है उसके ऊपर एक्स का मान जीरो होता है, और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। इसलिए ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो दिया हुआ है वो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है जेड वन जेड टू जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, टू जेड वन अपॉन थ्री जेड टू, ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमको इसका मॉडुलस निकालना है। सॉल्यूशन कर रहे हैं, इट इज गिवन दैट थ्री जेड टू जेड वन अपॉन में थ्री जेड टू इज प्योरली इमेजिनरी, ये प्योरली इमेजिनरी दिया हुआ है। मान लेते हैं हम कि ये हमारे पास टू जेड वन अपॉन में थ्री जेड टू, ये लेमडा आई के बराबर है, इमेजिनरी पार्ट है इसका, और लेमडा कोई रियल नंबर है। तो यहाँ से हम जेड वन अपॉन जेड टू की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा हमारे पास तीन बटे दो लेमडा आई। हमको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है जेड वन माइनस में जेड टू और जेड वन प्लस में जेड टू, इसका मॉडुलस हमको निकालना है। तो यहाँ पर मैं जेड वन अपॉन जेड टू बनाना चाहता हूँ, इसलिए सारी इक्वेशन को में से यहाँ से मैं जेड टू कॉमन ले रहा हूँ। जेड टू कॉमन ले लेंगे हमारे पास, तो ये आ जाएगा जेड वन अपॉन में जेड टू और माइनस में एक, ऐसे नीचे भी जेड टू कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा जेड वन अपॉन में जेड टू प्लस में वन, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, जो वैल्यू हमारे पास थ्री बाई टू लेमडा आई और माइनस एक है, नीचे थ्री बाई टू लेमडा आई प्लस में एक, ये हमने इसकी वैल्यू रख दी है। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा थ्री लेमडा आई माइनस में दो का मॉडुलस अपॉन में थ्री लेमडा आई, और यहाँ पर थ्री लेमडा आई प्लस में टू का मॉडुलस हो गया। लेमडा हमने कॉमन ले, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, वो एलसीएम कैंसिल हो गया। अब हम इसको जो है रियल पार्ट को आगे लिख रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट को पीछे लिख देंगे, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिख रहे हैं टू प्लस में थ्री लेमडा आई। उसके बाद में अब इसका हम मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस निकालने के लिए ये हमारे पास आ जाएगा नाइन फोर प्लस में नाइन लेमडा स्क्वेयर और इसका रूट, और नीचे भी फोर प्लस में नाइन लेमडा स्क्वेयर इसका भी रूट, ये आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल हो करके इसका उत्तर हमारे पास एक आ गया, तो ये हमारे को कहा गया था। सबसे पहले हमने ये जो दिया हुआ इसको इमेजिनरी माना, लेमडा आई बराबर माना है, इसे लेमडा को लेमडा टू की वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसमें जेड टू कॉमन लेके जेड वन अपन जेड टू बना दिया है, फिर इसके साल पर इसकी वैल्यू पुट कर लिया है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व मॉडुलस किया, तो इसका उत्तर हमारे पास एक आ गया है। अगले क्वेश्चन में हमको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मानते हैं लेट जेड बराबर एक्स प्लस में आईटा वाई मान लिया है। अब हम इसे यहाँ रखने के लिए जेड प्लस वन की वैल्यू निकाल रहे हैं। एक्स प्लस में आईटा वाई, इसमें एक जोड़ दिया है, तो ये हमारे पास एक्स प्लस वन प्लस में आईटा वाई आ गया है। अब इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। एक्स प्लस वन का मॉडुलस आ जाएगा एक्स प्लस में वन प्लस में आईटा वाई, इसका मॉडुलस, और इसको सोल्व करेंगे तो ये एक्स प्लस वन का स्क्वेयर और प्लस में आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वेयर, और इसका रूट आ रहा है। हमारे पास दिया हुआ है
जेड प्लस वन का मॉडुलस इज इक्वल टू जेड प्लस में टू वन प्लस आइटा, ये दिया हुआ है, इसकी जगह ये वैल्यू रख देंगे जो अभी हमने निकाली थी एक्स स्क्र प्लस वन जमा में दो एक्स, ये वैल्यू रख रहे हैं, इसका स्क्र रूट स्क्र खोल दिया है प्लस में वाई स्क्र, ये तो उधर रख दिया है, इधर जेड की वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस आइटा वाई है, इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे दो आइटा, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्र प्लस वन प्लस में टू एक्स प्लस में वाई स्क्र, और इधर की संख्या है इसमें एक्स प्लस में टू और प्लस में वाई प्लस में दो आइटा आ गया है। अब हम जो है इसका रियल और इमेजरी पार्ट इक्वेट करेंगे, यह रियल पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वन प्लस में टू एक्स प्लस वाई स्क्र बराबर एक्स प्लस टू, और इमेजिनरी पार्ट हम इसको लिख सकते हैं प्लस में जीरो आइटा, तो यहाँ से हमारे पास वाई प्लस दो की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो वाई का मान माइनस टू आ गया, अगर वाई की वैल्यू यहाँ रख दें तो ये हमारे पास जाएगा एक्स स्क्र प्लस वन प्लस में टू एक्स और प्लस में फोर बराबर एक्स प्लस में टू, इक्वेशन सोल्व करेंगे एक्स स्क्र प्लस में एक्स और ये प्लस में तीन बराबर जीरो, इसको अगर हम इक्वेशन को सोल्व करें हमारे पास तो ये यहाँ पर हमारे पास रूट था, इसका स्क्र करेंगे तो यहाँ इसका स्क्र हो जाएगा, और इधर हमारे पास जो है इसका स्क्र खोलेंगे एक्स स्क्र प्लस में ये टू एक्स प्लस में वन है और प्लस वाई, ये वैल्यू बाद में रखेंगे यहाँ पर, ये ऐसे कैसा उतार लिया, इधर स्क्र करेंगे तो एक्स स्क्र प्लस में चार और प्लस में दो एक्स आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल हो गया है, यहाँ हमारे पास जो है यह एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल हो जाएगा, अब इसमें वाई की वैल्यू रख देंगे टू एक्स प्लस वन प्लस में ये माइनस की दो रखेंगे तो ये चार आ जाएगा और बराबर इधर चार प्लस में हमारे पास है चार एक्स, चार से ये चार कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा दो एक्स का मान एक आएगा, इससे एक्स बराबर एक बटे दो आ गया। तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा था तो जेड हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था जेड एक्स प्लस में आइटा वाई, उसकी वैल्यू आ गई एक्स की जगह एक बटे दो रख दिया है माइनस में दो आइटा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। पहले हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हमारे पास जेड माना, फिर जेड प्लस वन का मान निकाला, फिर इसका मॉडुलस निकाला है, ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन ने इसका मान रख दिया इधर, तो इधर जेड का मान रख दिया, ये रियल पार्ट हो गया, रियल को रियल से कंपेयर कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर कर दिया, इसको सोल्व करके वाई का मान निकाला, इधर इसको सोल्व करके वाई की वैल्यू रख के एक्स का मान निकाला, तो इस तरह से हमारे पास ये जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू रखने का ये आ गया है। अगला क्वेश्चन, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दे रखा है, एक ओमेगा दे रखा है, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एक है तो हमको ये प्रूव करना जेड प्योरली रियल है। सबसे पहले हम ओमेगा निकालते हैं, एक माइनस में आइटा जेड और जेड माइनस आइटा है, यहाँ पर एक माइनस आइटा जहाँ भी जेड है जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई रख रहे हैं, अपॉन में एक्स प्लस आइटा वाई माइनस आई आ गया है, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक माइनस में आइटा एक्स माइनस में आइटा स्क्वायर वाई और अपॉन में हमारे पास एक्स प्लस इसमें से आइटा को मान लें तो ये वाई माइनस एक आ जाएगा, यहाँ पर अगर एक रख देंगे तो एक प्लस वाई माइनस में आइटा एक्स है और नीचे हमारे पास है एक्स प्लस में आइटा वाई माइनस एक। अब इसका हम मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस एक प्लस में वाई माइनस में आइटा एक्स और अपॉन में है एक्स प्लस में आइटा वाई माइनस में एक, इसका मॉडुलस ले लिया है, ऊपर की संख्या का अलग मॉडुलस हो जाएगा वन प्लस में वाई और प्लस में आइटा माइनस में आइटा एक्स, इसका मॉडुलस अलग आ रहा है, नीचे है एक्स प्लस आइटा वाई माइनस एक, इसका मॉडुलस एक ले लिया है, मॉडुलस निकालेंगे अब हम तो ये आ जाएगा वन प्लस में वाई इसका स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इसका रूट अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस में एक का स्क्वायर और इसके ऊपर इसका मॉडुलस आ गया है। अब हमारे पास बट मॉडुलस ओमेगा मॉडुलस एक दिया हुआ है तो ये वैल्यू इसके पास यहाँ रख देंगे तो एक प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का मॉडुलस और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक का स्क्वायर इसका मॉडुलस एक के बराबर है।
अगर हम इसको इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा वन प्लस में वाई का स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, और इधर एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई माइनस ए का स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर कर दें अगर हम तो वन प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर बराबर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई माइनस ए का स्क्वेयर। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे वन प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में दो वाई आ रहा है, इधर प्लस में एक्स स्क्वेयर बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक माइनस दो वाई, एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर एक से कैंसिल हो गया, फोर वाई का मान जीरो है, वाई का मान जीरो आ रहा है, वाई का मान जीरो होता है वो एक्स एक्सिस की ओर रुकता है, इसलिए जेड इज जेड लाइज ऑन एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस की पर रियल नंबर होता है, इसलिए जेड इज प्योरली रियल। अगर एक्स एक्सिस की पर लाई कर रहा है तो एक्स एक्सिस पर वाई का मान नहीं होता है, वाई का कंपोनेंट जीरो है, तो इसलिए ये जो है प्योरली रियल हो गया जेड। अगले क्वेश्चन में ये कम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ये प्योरली रियल है, हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है। पहले इस कम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको निशान पलट करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, नीचे से आइटा इसका ख़त्म करेंगे। इसके लिए इसको वन प्लस में टू आइटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और वन प्लस में टू आइटा साइन थीटा से डिवाइड कर दिया है। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा थ्री प्लस में सिक्स आइटा साइन थीटा प्लस में टू आइटा साइन थीटा और प्लस में फोर आइटा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में हमारे पास आ रहा है एक माइनस फोर आइटा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। जेड की वैल्यू आ जाएगी थ्री माइनस में फोर साइन स्क्वेयर थीटा, और इसको जोड़ेंगे तो सिक्स आइटा साइन थीटा आ जाएगा इन दोनों का जोड़, और नीचे हमारे पास आ जाएगा वन प्लस में फोर साइन स्क्वेयर थीटा। यहाँ पर हमको दिया हुआ है जेड इज प्योरली रियल, बट जेड इज प्योरली रियल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है साइन थीटा ये जीरो के बराबर है, साइन थीटा का मान जीरो है तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है अगर साइन थीटा का मान जीरो है थीटा का मान एन पाई होगा, जब भी थीटा पाई का मल्टीपल होगा उस केस में इसका मान हमारे पास जीरो आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास यही क्वेश्चन इसके बराबर है, अगर इफ एंड ओनली जेड वन अपन जेड टू इज प्योरली इमेजिनरी, अगर जेड वन अपन जेड टू प्योरली इमेजिनरी तो ये संख्या इसके बराबर होगी और उल्टा भी है, अगर ये इसके बराबर है तो फिर हमको जेड वन अपन जेड टू को इमेजिनरी प्रूव करना है। सबसे पहले हम जेड वन अपन जेड टू की वैल्यू निकालेंगे, लेट जेड वन बराबर हमारे पास एक्स वन प्लस में आईटा वाई वन है, और जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमने एक्स टू प्लस में आईटा वाई टू मान लिया है। सबसे पहले हम जेड वन अपन जेड टू की वैल्यू निकालेंगे, ये एक्स वन प्लस में आईटा वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू प्लस में आईटा वाई टू, इसको रैशनलाइज करते हैं एक्स टू माइनस आईटा वाई टू से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास जेड वन अपॉन जेड टू की वैल्यू आ जाएगी एक्स वन एक्स टू माइनस में आईटा एक्स वन वाई टू और प्लस में वाई वन एक्स टू आईटा और माइनस में आईटा स्क्वेयर वाई वन वाई टू, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। नीचे हमारे पास आ रहा है एक्स टू स्क्वेयर माइनस में आईटा स्क्वेयर वाई टू स्क्वेयर, तो ये जेड वन अपॉन जेड टू की वैल्यू अगर ये माइनस एक रख देंगे एक्स वन एक्स टू प्लस में वाई वन वाई टू, और यहाँ से अगर आईटा कॉमन ले लें तो ये एक्स वन वाई वन एक्स टू माइनस में एक्स वन वाई टू आ गया है, और अपॉन में हमारे पास है एक्स टू स्क्वेयर प्लस में वाई टू स्क्वेयर। क्वेश्चन के पहले पार्ट में मान लेते हैं, लेट जेड वन अपॉन जेड टू इज प्योरली इमेजिनरी, हमने इसको प्योरली इमेजिनरी मान लिया है, प्योरली इमेजिनरी मानते ये जो रियल पार्ट है एक्स वन एक्स टू प्लस में वाई वन वाई टू इसका मान जीरो हो गया है। अब हमको ये प्रूव ये करना है इस कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू इसके बराबर है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें जेड वन प्लस में जेड टू निकालेंगे, जेड वन की वैल्यू हमारे पास है एक्स वन प्लस में आईटा वाई वन और जेड टू की वैल्यू है एक्स टू प्लस में आईटा वाई टू, इनको जोड़ेंगे
तो ये एक्स वन प्लस में एक्स टू आ जाएगा, प्लस में आइटा वाई वन प्लस में वाई टू आ गया। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसके मॉडुलस का स्क्वेयर कर देते हैं सीधा ही, तो एक्स वन प्लस में एक्स टू इसका स्क्वेयर प्लस में वाई वन प्लस में वाई टू का स्क्वेयर, रूट नहीं लिया है वो उधर स्क्वेयर कर दिया है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये एक्स वन स्क्वेयर आएगा, एक्स टू स्क्वेयर आएगा प्लस में टू एक्स वन एक्स टू, इसको खोलेंगे वाई वन स्क्वेयर आएगा प्लस वाई टू स्क्वेयर आएगा जमा दो वाई वन वाई टू आ रहा है। यहाँ से हमारे पास एक्स वन स्क्वेयर प्लस में एक्स टू स्क्वेयर प्लस में वाई वन स्क्वेयर प्लस में वाई टू स्क्वेयर आ गया है, और दो कॉमन ले लें इसमें से, तो ये एक्स वन एक्स टू प्लस में वाई वन वाई टू आ रहा है, इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वन स्क्वेयर और प्लस में वाई वन स्क्वेयर, इन दोनों को एक साथ लिख दिया है, प्लस में एक्स टू स्क्वेयर प्लस में वाई टू स्क्वेयर, और ये दो गुणा में जीरो आ गया है। ये संख्या हमारे पास है, ये जेड वन के मैग्नीट्यूड का स्केयर आ गई है, और ये हमारे पास जेड टू के मैग्नीट्यूड का स्केयर आ गया है, ये जीरो बन गया है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। यही हमको वो करना था राइट। अब तो कन्वर्सली करेंगे, कन्वर्सली में हम मानेंगे जेड वन प्लस में जेड टू के मैग्नीट्यूड का स्केयर, और जेड वन के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस जेड टू के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये हम मानेंगे। अब हमको प्रूव करना है जेड वन अपॉन जेड टू प्योर इमेजिनरी है, इसके लिए हमको ये दिखाना है कि इसकी वैल्यू, इसका मान जीरो है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जेड वन अपॉन जेड टू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स वन प्लस में आइटा वाई वन, और जेड टू की वैल्यू है एक्स टू प्लस में आइटा वाई टू, इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस इसका स्क्वेयर यह है एक्स वन प्लस में आइटा वाई वन इसका स्क्वेयर, और ये एक्स टू प्लस में आइटा वाई टू इसके मॉडुलस का स्क्वेयर, इसमें एक्स वन प्लस में एक्स टू आ जाएगा प्लस में वाई वन प्लस में वाई टू, आइटा कॉमन ले लिया इसका मॉडुलस है इसका स्क्वेयर है इधर, यह हमारे पास आ जाएगा एक्स वन प्लस में आइटा वाई वन इसके मैग्नीट्यूड मॉडुलस का स्क्वेयर, और ये एक्स टू प्लस में आइटा वाई टू इसके मॉडुलस का स्क्वेयर आ गया। इसको अगर हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वन प्लस में एक्स टू का स्क्वेयर और प्लस में वाई वन प्लस में वाई टू का स्क्वेयर, और फिर इसका हमारे पास रूट आएगा और रूट के ऊपर स्क्वेयर दिया हुआ है, यही काम इधर हो जाएगा एक्स वन स्क्वेयर प्लस में वाई वन स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट, फिर स्क्वेयर प्लस में एक्स टू स्क्वेयर वाई टू स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट, फिर इसका स्क्वेयर, ये स्क्वेयर और रूट कट जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वन स्क्वेयर प्लस में एक्स टू स्क्वेयर प्लस में दो एक्स वन एक्स टू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वाई वन स्क्वेयर वाई टू स्क्वेयर प्लस में टू वाई वन वाई टू स्क्वेयर करेंगे तो ये रूट और ये कैंसिल हो जाएंगे, और इधर हमारे पास बन जाएगा एक्स वन स्क्वेयर प्लस में वाई वन स्क्वेयर ये एक्स टू स्क्वेयर प्लस में वाई टू स्क्वेयर, ये इसे कैंसिल हो गया, ये इसे कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, केवल हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा टू एक्स वन एक्स टू प्लस में वाई वन वाई टू बराबर ज़ीरो, एक्स वन एक्स टू प्लस में वाई वन वाई टू इसका मान जीरो आ रहा है। ये जो हमारे पास जेड वन अपॉन में जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर था उसमें ये वाला पोर्शन हमारा ज़ीरो आ गया, इसलिए हमारे पास जेड वन अपॉन जेड टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बन जाएगा जेड वन अपॉन जेड टू बराबर आ जाएगा जीरो प्लस में आइटा, और ये वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू, और अपॉन में हमारे पास एक्स टू स्क्वेयर प्लस में वाई टू स्क्वेयर था। हमको ये प्रूव करना था कि प्योरली इमेजिनरी है, विच इज़ प्योरली इमेजिनरी, तो इसके आगे लिख देंगे विच इज प्योरली इमेजिनरी। तो इसमें हमने दोनों पार्ट में क्वेश्चन किया है, पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू माना है, पहले जेड वन अपन जेड टू का मानने वाला है, इसको सोल्व किया है, ये प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी होने की वजह से इसका जो रियल पार्ट है ये जीरो हो गया, रियल पार्ट को जीरो रखा है तो ये जीरो आ गया। फिर हमने जो दूसरा जो साइड लिया उसको लिया, इसको जो है प्रूव करेंगे बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड ली इसका मान निकाला,
ये राइट हैंड साइड की बराबर आ गई। कन्वर्सली में ये बराबर लिया है, अब हमने इसको उल्टा सोल्व करके ये वापस जो है एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू का मान जीरो कर दिया है, उसको उस कॉम्प्लेक्स नंबर रखेंगे तो प्योरली इमेजनरी इमेजनरी पार्ट जीरो हो गया प्योरली। अगला क्वेश्चन हमारे पास जिसमें ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, कहता है कि स्मॉल लिस्ट क्या पॉजिटिव इंटीजर हो कि ये दोनों बराबर हों। तो एक प्लस में आइटा की पावर दो एन बराबर एक माइनस आइटा की पावर दो एन हमको दिया है, इस संख्या से इसको डिवाइड कर देंगे तो एक प्लस आइटा एक माइनस आइटा इसकी पावर दो एन बराबर एक आ गया है। अगले स्टेप में इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ, एक प्लस आइटा एक माइनस आइटा इसको एक माइनस आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, ये हमारे पास दो एन बराबर एक आ गया। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वन प्लस में आइटा स्क्वायर प्लस में दो आइटा, नीचे एक माइनस आइटा स्क्वायर आ रहा है, इसकी पावर दो एन का मान एक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास एक माइनस एक जमा में दो आइटा और नीचे आ रहा है दो, इसकी पावर है दो एन बराबर एक, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, आइटा की पावर दो एन का मान एक आ गया। यहाँ से हमारे पास आ गया आइटा की पावर दो एन का मान, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक है तो यहाँ पर टू एन इज मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ फोर होगा जब इसका मान एक हो सकता है, आइटा की पावर अगर चार की मल्टीपल है, इसलिए इसको सोल्व करेंगे तो एन बराबर दो इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, दो एन चार का मल्टीपल है तो एन का मान दो आएगा, वो इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारे पास जेड वन जेड टू जेड थ्री तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस और वन बाई जेड वन वन बाई जेड टू वन बाई जेड थ्री इसका मॉडुलस भी एक के बराबर है, तो हमको जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री का मॉडुलस निकालना है। वी हैव हमारे पास पहला है जेड वन का जो मैग्नीट्यूड है इसका वन है वैल्यू है, इसका मतलब इसका जो स्क्वायर आएगा हमारे पास वो भी एक के बराबर आएगा, और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कंजुगेट से गुणा करते हैं तो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इससे हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आई है वो आ गई है कि जेड वन का जो कंजुगेट है वो वन बाई जेड वन के बराबर है। सिमिलरली अगर हम करेंगे तो जेड टू के कंजुगेट का मान एक बटे जेड टू आ जाएगा और जेड थ्री के कंजुगेट का मान वन बाई जेड थ्री आ जाएगा। हमको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है इसकी, पहले ले रहे हैं वन बाई जेड वन प्लस में वन बाई जेड टू प्लस में वन बाई जेड थ्री, ये जो लिया है इसका मान हमारे पास एक है, ये जो अभी मान निकाले हैं इनसे हमारे पास इस वन बाई जेड वन का मान आ जाएगा जेड वन का कंजुगेट, ये जेड टू का कंजुगेट आ जाएगा, ये जेड थ्री का कंजुगेट आ जाएगा, ये इसका मान एक के बराबर है। अगर ये सारी संख्याएं हैं तो ये आगे रूल और है कि इनका हमने अलग अलग का कंजुगेट लिया है और फिर जोड़ा है, अगर हम पहले इनको जोड़ दें और फिर कंजुगेट ले लें और फिर मॉडुलस लें तो भी उत्तर एक ही आएगा। और अगला जो प्रोसेस है रूल है वो बोलता है कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का आप कंजुगेट लेके मॉडुलस ले लें या उसका सीधा मॉडुलस ले लें एक बराबर आएगा। यहाँ पर कंजुगेट लेके मॉडुलस लिया, हमने इसका सीधा कर दिया, उत्तर सेम ही आते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास एक आ गई है। आसान सा सवाल है, पहले ये जेड वन का जो है मॉडुलस एक है तो इसका स्क्वायर एक, किसी कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर का मान जब भी होता है जब उसके कंजुगेट से गुणा करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को तो उसका स्क्वायर के बराबर हो जाता है मॉडुलस के, तो ये एक है। यहाँ से हमने जेड वन के कंजुगेट का मान वन बाई जेड टू, जेड टू के कंजुगेट का मान वन बाई जेड टू, जेड थ्री का वन बाई जेड थ्री लिया है, ये हमको दिया हुआ है, ये है हमको ये दे रखा है, फिर इसके अंदर ये इससे इसको कम्प्लेक्स नंबर्स को ये इसमें कंजुगेट में कन्वर्ट कर लिया है, सबका एक बार कंजुगेट कर लिया है फिर कंजुगेट को हटा दिया है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास इसमें हमारे को दो जेड वन जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो इसके लिए हमको के का मान निकालना। पहले हम मान लें डेट जेड वन बराबर एक्स प्लस में आइटा वाई, जेड टू बराबर है एक्स वन प्लस आइटा वाई वन है, और दूसरा है हमारे पास एक्स टू प्लस में आइटा वाई टू। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे जेड वन कंजुगेट और जेड टू, जेड वन कंजुगेट का मान आएगा एक्स वन माइनस में आइटा वाई वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जेड टू,
एक्स टू प्लस में आइटा वाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वन एक्स टू प्लस में आइटा एक्स वन वाई टू माइनस में आइटा वाई वन एक्स टू और माइनस में है आइटा स्क्वेयर वाई वन वाई टू। ये वैल्यू इसमें रख देंगे तो एक्स वन एक्स टू प्लस में वाई वन वाई टू और प्लस में यहाँ से आइटा कॉमन आ जाएगा एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू। ये हमने ये जो पहला वाला कंटेंट है इसकी वैल्यू निकाली है। अब हम निकालेंगे जेड वन माइनस में जेड टू। जेड वन की वैल्यू है एक्स वन प्लस में आइटा वाई वन माइनस में एक्स टू प्लस में आइटा वाई टू। इसको घटाएंगे तो एक्स वन माइनस में एक्स टू आ जाएगा प्लस में आइटा ये वाई वन माइनस में वाई टू आ गया। अब हम ये वैल्यू उठा करके यहाँ इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। ये जो वैल्यू आएगी ये हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं एक माइनस इसकी जो वैल्यू है हमारे पास ये आई है ये रख देंगे एक्स वन और एक्स टू प्लस में वाई वन वाई टू। ये रियल पार्ट है ये सारा इसका रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास आइटा एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब इसका हमारे पास कंजुगेट है और मॉडुलस है फिर उसका स्क्वायर है और फिर माइनस में ऐसे ही है हमारे पास इस वाला है एक्स वन माइनस में एक्स टू और प्लस में है आइटा वाई वन माइनस वाई टू। इसका भी मॉडुलस है फिर इसका स्क्वायर है। इसको अब हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर ये जो संख्या इसका मॉडुलस लेंगे तो एक माइनस एक्स वन एक्स टू ये माइनस का निशान बाद में लगाएंगे माइनस में वाई वन वाई टू इसका स्क्वायर और प्लस में वाई वन एक्स वन वाई टू माइनस में वाई वन और ये एक्स टू इसका स्क्वायर हो गया है। और फिर इसके ऊपर इसका रूट लेंगे और फिर ये स्क्वायर लगा देंगे। ऐसे ये दूसरा पार्ट है इसमें एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर इसका रूट और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर इसको खोलें अगर हम तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर ये स्क्वायर और रूट को कैंसिल हो जाएंगे। इसका स्क्वायर खोलेंगे वन प्लस में एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर प्लस में वाई वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में दो इनका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वन एक्स टू आएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो प्लस हो जाएगा एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू और फिर इनका करेंगे तो माइनस में दो ये वाई वन वाई टू आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दो ए बी दो बी दो सी का लगाया है ये तो इसका उत्तर आया है। माइनस में इसका करेंगे तो ये एक्स वन स्क्वायर प्लस में एक्स टू स्क्वायर माइनस में दो एक्स वन एक्स टू आ रहा है। इसको करेंगे तो वाई वन स्क्वायर प्लस में वाई टू स्क्वायर और माइनस में दो वाई वन वाई टू इसका उत्तर आ जाएगा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे ये वन प्लस में एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर प्लस में वाई वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर माइनस दो एक्स वन एक्स टू प्लस में दो एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू माइनस में दो वाई वन वाई टू इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस एक्स वन स्क्वायर माइनस में एक्स टू स्क्वायर प्लस में दो एक्स वन एक्स टू ये आ जाएगा माइनस वाई वन स्क्वायर माइनस वाई टू स्क्वायर जमा में दो वाई वन वाई टू ये हमारे पास आ गया है। ये यहाँ इससे कैंसिल हो गया ये इससे कैंसिल हो गया और संख्या है हमारे पास कुछ भी कटेंगे नहीं तो हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है वन प्लस में एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर वाई वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर और इसके साथ है माइनस में एक्स वन स्क्वायर माइनस में एक्स टू स्क्वायर माइनस में वाई वन स्क्वायर माइनस वाई टू स्क्वायर और प्लस में टू एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू। ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाली है। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें है के एक माइनस में जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर और दूसरे वाले में है यहाँ पर एक माइनस जेड टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास के आ गया एक माइनस यहाँ रखूँगा एक्स प्लस वन प्लस में आइटा वाई वन इसके मॉडुलस का स्क्वायर और ये रख देंगे एक माइनस एक्स टू प्लस में आइटा वाई टू के मॉडुलस का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो के एक माइनस ये एक्स वन स्क्वायर प्लस में वाई वन स्क्वायर इसका मॉडुलस फिर इसका स्क्वायर यह जाए एक माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस में वाई टू स्क्वायर इसके मॉडुलस का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो ये आएगा के एक माइनस एक्स वन स्क्वायर
और ये माइनस में वाई वन स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे एक माइनस एक्स टू स्क्वेयर माइनस में वाई टू स्क्वेयर करेंगे। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा कि एक माइनस में एक्स टू स्क्वेयर माइनस में वाई टू स्क्वेयर, इसको करेंगे तो माइनस एक्स वन स्क्वेयर प्लस में एक्स वन स्क्वेयर एक्स टू स्क्वेयर प्लस में वाई वन स्क्वेयर और वाई टू स्क्वेयर, इसको करेंगे तो माइनस वाई वन स्क्वेयर आ जाएगा प्लस में वाई वन स्क्वेयर एक्स टू स्क्वेयर आ रहा है, और आखिरी में हमारे पास आएगा वाई वन स्क्वेयर और वाई टू स्क्वेयर। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली है, राइट हैंड साइड निकाली है, बट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमको दी हुई है, बराबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम देखें ध्यान से तो ये संख्या और ये संख्या सेम संख्याएँ हैं। इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर एक है और इसके मल्टीप्लाई में के है, तो यहाँ से हम अगर सोल्व करेंगे तो के की वैल्यू हमारे पास वन आ जाएगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट जेड वन बराबर ए प्लस आइटा बी है, जेड टू बराबर ये है हमारे पास सी प्लस में आइटा डी है। हमने ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ये हम नहीं मान सकते क्योंकि इसमें एक्स वन ए बी दिया हुआ, तो ये एक्स वन प्लस में आइटा वाई वन और ये एक्स टू प्लस में आइटा वाई टू, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मान लिया है। पहले हमको दिया हुआ इसका मान इसके बराबर प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है ए जेड वन माइनस में बी जेड टू, इसके मैग्नीट्यूड मॉडुलस का स्क्वायर, और बी जेड वन प्लस में ए जेड टू इसके मॉडुलस का स्क्वायर। ए जेड वन जहाँ भी है वहाँ एक्स वन प्लस में आइटा वाई वन रख रहे हैं, माइनस बी जहाँ भी एक्स जेड टू है वहाँ पर एक्स टू प्लस में आइटा वाई टू रख दिया है, और फिर इसका मॉडुलस है उसका स्क्वायर है, ऐसे ही रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बी एक्स वन प्लस में आइटा वाई वन प्लस में ए एक्स टू प्लस में आइटा वाई टू, और इसका भी मॉडुलस है फिर इसका स्क्वायर है। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से ये रियल पार्ट है ए एक्स वन है, इसका रियल पार्ट बी एक्स टू हो जाएगा, इसमें से इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ए वाई वन है, इसमें से इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बी वाई टू आ जाएगा, और इसके का भी स्क्वायर हो गया प्लस में यहाँ पर करेंगे बी एक्स वन प्लस में ए एक्स टू, और प्लस में यहाँ पर आइटा कॉमन ले लेंगे बी वाई वन प्लस में ए वाई टू, इसके भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। अब इसको सोल्व कर इसका हमारे पास मॉडुलस होगा ए एक्स वन माइनस में बी वाई टू इसका स्क्वायर प्लस में ए वाई वन माइनस में बी वाई टू इसका स्क्वायर, इसका हमारे पास मॉडुलस है स्क्वायर रूट है फिर स्क्वायर है। इसी तरह से यहाँ बी एक्स वन प्लस में ए एक्स टू, और ये हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस में बी वाई वन प्लस में ए वाई टू इसका स्क्वायर, इसके ऊपर रूट लग रहा है फिर इसका भी स्क्वायर है। यहाँ पर हमारे पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास है ए एक्स वन माइनस में बी वाई टू इसका स्क्वायर आएगा, ए वाई वन माइनस में बी वाई टू इसका स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में है यहाँ पर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है, बी एक्स वन प्लस में ए एक्स टू इसका स्क्वायर है प्लस में बी वाई वन प्लस में ए वाई टू इसका स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट ये कैंसिल हो गया। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर बी स्क्वायर वाई टू स्क्वायर प्लस में दो ए बी एक्स वन और वाई टू आ जाएगा हमारे पास। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर वाई टू स्क्वायर माइनस में दो ए बी वाई वन वाई टू, ऐसे इसका स्क्वायर खोलेंगे तो बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर प्लस में दो ए बी एक्स वन एक्स टू, इसका खोलेंगे तो ये बी स्क्वायर वाई वन स्क्वायर ए स्क्वायर वाई टू स्क्वायर प्लस में टू ए बी वाई वन वाई टू, ये संख्या यहाँ से इससे कैंसिल हो गई है, यहाँ पर ये संख्या इससे कैंसिल हो गई है। हमारे पास जो संख्याएं बची हैं दो संख्याएं हैं ए स्क्वायर की यहाँ पर और ये स्क्वायर की यहाँ पर, तो ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनमें से हमारे पास ए स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये एक्स वन स्क्वायर
प्लस में वाई वन स्क्वेयर बच गया है। इन दोनों में से ऐसे ही ये दोनों संख्याएं हैं, यहाँ पर हमारे पास बी स्क्वेयर कॉमन है, तो यहाँ एक्स टू स्क्वेयर बचेगा या वाई टू स्क्वेयर बच रहा है हमारे पास, इन दोनों का हिसाब हो गया है। अब ये दोनों संख्याएं हैं, इनमें से अगर हम जो है इन दोनों में से हम ए स्क्वेयर कॉमन ले लें, इसमें से बी स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वेयर बचेगा, तो ये हमारे पास एक्स वन स्क्वेयर प्लस में वाई वन स्क्वेयर बच रहा है, और यहाँ से ए स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स टू स्क्वेयर प्लस में वाई टू स्क्वेयर बच रहा है। उसके बाद में हमारे पास ये दोनों जो है ये इसमें कॉमन है, तो ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर आ रहा है, यहाँ बच रहा है एक्स वन स्क्वेयर प्लस में वाई वन स्क्वेयर, इन दोनों संख्याओं में से हमारे पास बचेगा ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बी स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर बच जाएगा और एक्स टू स्क्वेयर प्लस में वाई टू स्क्वेयर बच रहा है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में से हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर बच रहा है कॉमन, तो यह आ जाएगा एक्स वन स्क्वेयर प्लस में वाई वन स्क्वेयर, यहाँ बच जाएगा एक्स टू स्क्वेयर प्लस में वाई टू स्क्वेयर, और ये आ गया हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसको हम कह सकते हैं जेड वन के मॉडुलस का स्क्वेयर है, और ये जेड टू के मॉडुलस का स्क्वेयर है, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है, यही हमको प्रूव करने दे। यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू, ये वैल्यू जेड वन जेड टू की ये वैल्यू यहाँ उठा के रख दिया है, रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजनरी अलग कर दिया, रियल अलग कर दिया, इमेजनरी अलग कर दिया। अब इसका जो मॉडुलस ले लिया है, इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर रूट लगा के स्क्वेयर कर दिया, या इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर फिर रूट लगा के स्क्वेयर कर दिया, स्क्वेयर और रूट कैंसिल हो गए, ये संख्या आ गई, इन सबके ब्रैकेट खोल दिया है, फिर उसके बाद में ये संख्या दो तो कैंसिल हो गई है, बाकी इसको फैक्टर कर देंगे। ए स्क्वेयर की संख्या अलग कर ली है, बी स्क्वेयर की अलग कर दी है, बी स्क्वेयर की अलग, ए स्क्वेयर की, इन दोनों में से ये फैक्टर कॉमन आ गया, इनमें से कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया।